एक्सक्लूसिव बाल दिवस से पहले कपिल शर्मा ने खोला अपने बालपन का राज। कपिल शर्मा जिस तरह पर्दे पर नजर आते हैं, वे हमेशा मस्ती मजाक करते रहते हैं। उनका शरारती अंदाज ही हमेशा दर्शकों के सामने आता है। लेकिन आपको कपिल शर्मा के बारे में ये राज जानकर हैरानी होगी कि कपिल शर्मा बचपन में शरारती बिल्कुल नहीं थे। बाल दिवस 14 नवंबर को लेकर जब हमने कपिल से जानना चाहा कि वह बचपन क्या क्या करते थे, तो कपिल ने खुद जागरण.com से बातचीत के दौरान ये बातें स्वीकारी कि बचपन के दोस्तों को तो हैरानी होती है कि मैं कपिल शर्मा जैसे शो के साथ कैसे आगे बढ़ा, कैसे मैं इतना बोलने लगा। बचपन में मैं तो बिल्कुल शरारती भी नहीं था और बिल्कुल बातें भी नहीं करता था। कपिल बताते हैं कि हमें पापा का बड़ा डर था। एक तो पापा थे, उस पर से पुलिस में थे, तो हमें हमेशा लगता था कि पापा पिटाई करेंगे अगर शिकायत गई तो। कपिल कहते हैं कि स्कूल में कभी उनकी कंप्लेन नहीं गई। फिर जब वे कॉलेज गए तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कपिल बताते हैं कि उन्होंने स्कूल के दौर से ही अपने गाने बजाने की शुरुआत कर दी थी। स्कूल में गाते थे, फिर स्कूल में जन्माष्टमी और गुरु नानक जयंती पर भजन गाया करते थे। कॉलेज में आकर थिएटर का चस्का लगा, फिर कॉमेडी में आगे और फिर अब फिल्म कर रहे हैं। कपिल बताते हैं कि वह 7 साल के थे तब पंजाब में अपने गांव को छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें याद है कि उनके गांव में बकरी गाय भैंस खूब होते थे, खुली छत होती थी। वह सब धुंधली यादों में उनके दिमाग में अब भी जिंदा है। कपिल की कोशिश है कि कुछ वैसा ही पंजाब दर्शकों को उनकी फिल्म फिरंगी में भी नजर आए। उनकी फिल्म फिरंगी 24 नवंबर को रिलीज होने वाली है।